जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी विद मस्ती यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं 2018 की वैकेंसियों के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में जितनी भी वैकेंसियां निकलने वाली है बड़े लेवल पे, उन वैकेंसियों की बात करूँगा जिसमें बैंकिंग रहेगा और एक SSS एग्ज़ाम का भी रहेगा, और भी गवर्नमेंट MP WPM की भी जो भी वैकेंसियाँ निकलेगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइबर है ऑलरेडी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइबर से क्या होता है दोस्तों कि अगर मेरा जो भी वीडियो नया अपलोड होता है तो आपको होम पेज पर आ जाता है, और वहाँ पर अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है और न्यू सब्सक्राइबर है तो वहाँ पे एक बेल का आइकॉन है, उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन पे क्लिक करने से क्या है कि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जिससे आप तुरंत वीडियो देख सकोगे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है ये मैं वैकेंसियों पर बना रहा हूँ। इसके बाद जो संविदा शिक्षक की एक और जो जिन लोगों को लगता है कि संविदा शिक्षक आएगी कि नहीं आएगी, कि क्या होगा, कि कब निकलेगी, तो उस पर एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो एक दो दिन में वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं अपकमिंग वैकेंसियों की 2018 की। तो दोस्तों इसमें एक मिस्टेक है थोड़ी सी, कि जो अंतिम तिथि जो फर्स्ट सिंडिकेट बैंक लिखा है इसके नीचे अंतिम तिथि लिखी है 17/1/2018, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये आप समझ जाएगा या आप साइबर पे जाके इसको कंफर्म कर लीजिएगा। सिंडिकेट बैंक PO की फरवरी 2018 में वैकेंसी आने वाली है, इस न्यूज़पेपर के कंटेंट के हिसाब से। तो जैसे ये जो कंटेंट है मेरे को मिला है तो मैंने सोचा मेरे दोस्तों को भी अपडेट कर दूं, क्यों ना सबको पता चले कि कहाँ कहाँ वैकेंसी कब कब आने वाली है। और अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बैंकिंग के लिए भी वैकेंसियाँ हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें। हम बात करते हैं पहले सिंडिकेट बैंक PO की, तो जो कि फरवरी 2018 में रिक्वायरमेंट इसकी निकलने वाली है। इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी 17/1/18, तो इसमें मेरे को डाउट है थोड़ा सा, तो आप देख लीजिएगा। सेकंड जो है देना बैंक में वैकेंसी है PO में निकलेगी, जो मार्च अप्रैल 2018 में निकलना है। थर्ड हमारी है बैंक ऑफ इंडिया में, ये भी PO लेवल की रहेगी, जो कि मार्च अप्रैल 2018 में आने वाली है। चौथे नंबर की हम बात करते हैं तो चौथे नंबर में बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आता है, इसमें भी PO लेवल की जो वैकेंसियाँ हैं वही निकलेगी, ये निकलेगी अप्रैल मई 2018 में। उसके बाद पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो SBI में तो PO के लेवल की जो एग्ज़ाम होती है वो भी आने वाली है, और SBI क्लर्क दोनों ही आने वाली है अप्रैल मई 2018 में। तो अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से जुट जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक जो होती है हमारी, उनमें है जो वैकेंसी आने वाली है वो अप्रैल मई में ही आने वाली है 2018 में। मतलब मैक्सिमम जितनी भी बैंकिंग की सेक्टर की अप्रैल मई और मार्च में सारी वैकेंसियाँ आ जाएगी। उसके बाद RBI ग्रेड सेकेंड की जो वैकेंसियाँ हैं वो भी जून में आ जाएगी, जून 2018 में। ग्रेड सेकेंड की जो वैकेंसियाँ हैं जून 2018 में आने की संभावना है। उसके बाद SSS हाई सेकेंडरी लेवल की जो एग्ज़ाम होती है वो भी जून 2018 में आने का है। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से जुट जाइएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और अभी 2019 में हमारे चुनाव होने वाले हैं, तो ये यूँ समझ लीजिए कि आप 3 साल की जो वैकेंसी है वो सब 2018 में ही आ जाएगी, इसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। तो अगर आपको जॉब चाहिए ही सही गवर्नमेंट, तो आप जुट जाइएगा, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, और जिस हिसाब से मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, या मेरा मकसद ही ये है कि आप अच्छे से जुट जाएं। दोस्तों मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत का ही फल मिलेगा, क्योंकि इसके बाद हमारे पास चांस नहीं रहेगा 19-20। मैं जाता हूँ कि मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि 2020 तक कोई भी वैकेंसियाँ नहीं आएगी, क्योंकि सारी वैकेंसियाँ अभी ही निकल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं MP गवर्नमेंट में जो वैकेंसियाँ निकलने वाली है, आपको दिख ही गया है कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ यहाँ पे शो हो रही है। 9वें नंबर पे हम बात करते हैं MPSI की। जी हाँ, मई 2018 में दोस्तों MPSI की वैकेंसी निकलने वाली है। अगर आप भी चाहते हो, आप भी सोचते हो कि मैं SI बनूंगा, या फिर आप SI के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए
लगभग 1,000 पोस्टों पे वैकेंसियां आने वाली है एसआई की, जहाँ तक मेरा अनुमान है। 2018 मई 2018 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद करते हैं हम संविदा शिक्षक 1, 2, 3 की, जो कि इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि कब आएगा, और हर कोई इसका वेट कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी वैकेंसी कंफर्म है कि आएगी, और इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से, जो कि 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद है पुलिस आरक्षक, जो एमपी पुलिस आरक्षक की जो वैकेंसी 18,000 फिर से आने, अभी 14,000 पे रिक्वायरमेंट हुई है, होना है बाकी, और प्रोसेस चल रही है। ऐसे ही आरक्षक की 18,000 वैकेंसी और आने वाली, ये अप्रैल 2018 में आ जाएगी। तो इसमें भी अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी वैकेंसियां आपके सामने हैं दोस्तों। जो भी आप चाहते हो, जो MBSI है, बैंकिंग है, जिस फील्ड में भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अब जुट जाइए। और संविदा की बात करें तो संविदा की जो वैकेंसी आने वाली है, वो भी आना ही है, और उसका भी मेरे पास एक न्यूज़पेपर का भी करंट का एक कंटेंट मिला है मेरे को, जो जिसमें कुछ बातें हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनकी भी है, एमपी के शिक्षा मंत्री की, तो वो बातें मैं अपडेट करूँगा 1-2 दिन में ही, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, तो वो आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।